वेलकम टू आवर चैनल लॉक सेशन। आज हम आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 में दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, पहले की वीडियोज जिन्होंने नहीं देखे जाके चेक करें। आर्बिट्रेशन किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में हमारा क्या आर्बिट्रेशन है, क्लियर। बात करते हैं आर्बिट्रेशन होता क्या है। देखिए, जब पार्टीज हमारी क्या करती है, डिसाइड करती है कि जो भी हमारा डिस्प्यूट होगा वो हम कोर्ट से सॉल्व नहीं करवाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, यानी कि आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, और आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देगा वो हमारे पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा। और आर्बिट्रेटर के डिसीजन को क्या कहते हैं हम, बिल्कुल सही, अवार्ड या आर्बिट्रल अवार्ड। दो टर्म्स है, आर्बिट्रल अवार्ड हम समझ चुके हैं क्या होता है, लाइक अ जजमेंट ऑफ अ जज, क्लियर। लाइक वर्ड को याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं जजमेंट होता है, वो क्या होता है आर्बिट्रेटर का क्या होता है डिसीजन होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि लाइक अ जजमेंट ऑफ अ जज, क्लियर। अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेटर लाइक अ जज वो किस तरीके से परफॉर्म करता है अपना एक्ट कैसे परफॉर्म करता है, लाइक अ जज वो क्या होता है, वो पर्सन होता है जो अपॉइंटेड करा जाता है, किसके द्वारा, पार्टीज के द्वारा अपॉइंटेड करा जाता है। किस पर्पज के लिए करा जाता है, कि जो भी डिस्प्यूट सॉल्व होंगे उन पे क्या करेगा, वो डिसीजन देगा, यानी कि अवार्ड पास करेगा, क्लियर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, हम जान तो चुके हैं जो हमारा आर्बिट्रेशन होता है कि जो पार्टीज इंडिया की है, यानी कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, जो हम हमारी पार्टीज दोनों ही पार्टीज इंडियन है, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ वो किसके पास गए भैया, भगे भगे गए आर्बिट्रेटर के पास। आर्बिट्रेटर ने क्या करा, उनकी सारी प्रोसेस को देखा, एविडेंस को रिकॉर्ड करा, उनकी आर्ग्यूमेंट्स को क्या करा, सुना, और उन सब चीजों के बाद क्या करा, पास कर दिया अवार्ड, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है। मींस एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट कंसिडर एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया वेयर एटलीस्ट वन पार्टी इज, जब एक पार्टी फॉलोइंग पॉइंट्स दे रखे हैं उनमें से होगी तब वो हमारा आर्बिट्रेशन क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहलाएगा। देखते हैं कम, फर्स्ट एन इंडिविजुअल हु इज अ नेशनल ऑफ और हैबिचुअल रेजिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। तो ये क्या कहा गया बेयर एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में, क्या कहा गया है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या है, जब एक इंडिविजुअल यानी कि एक पार्टी हमारी इंडिया की नहीं है, क्लियर, तो उनके बीच में जो आर्बिट्रेशन होगा, यानी कि उन पार्टीज के बीच में जो आर्बिट्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए एंड बी, ए पार्टी इंडिया की है, जो बी पार्टी है लंदन की, अमेरिका, सिंगापुर, किसी भी कंट्री की है अदर देन इंडिया, मतलब यानी कि दूसरी पार्टी इंडिया की नहीं है, क्लियर, इंडिया के छोड़ के किसी और कंट्री की है, तो उन दोनों के बीच में जो आर्बिट्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड है किसी भी कंट्री में, इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, यानी कि एक पार्टी क्या है हमारी इनकॉर्पोरेटेड है किसी भी कंट्री में अदर देन इंडिया, तो दोनों पार्टी का हमारा आर्बिट्रेशन क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हुज सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन एनी अदर कंट्री, यानी कि जो उसकी जो भी बॉडी ऑफ एसोसिएशन है या जो भी हमारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है उनकी सेंट्रल मैनेजमेंट और कंट्रोल एक्सरसाइज करा जा रहा है किसी और कंट्री के द्वारा अदर देन इंडिया, क्लियर, तो उनका आर्बिट्रेशन, पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, आर्बिट्रेशन क्या होता है, अभी हमने बेयर एक्ट से समझ लिया, अब हम थोड़ी सी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है, जब भी हमारा डिस्प्यूट हम कोर्ट के पास नहीं ले जा रहे, हम कहाँ ले जा रहे हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ले जा रहे हैं, आर्बिट्रेटर के पास ले जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, सारी प्रोसेस के बाद, यानी कि हमारे एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स को हियर करने के बाद, दोनों पार्टीज की सारी बात सुनने के बाद वो क्या कर रहा है, उस पर डिसीजन पास कर रहा है, उस डिसीजन को हम क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, क्लियर, अवार्ड कह लीजिए, आर्बिट्रल अवार्ड कह लीजिए। उसका काम क्या है, यानी कि आर्बिट्रल का काम क्या है, सॉरी आर्बिट्रेटर का काम क्या है, सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, और जो अवार्ड पास करेगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा पार्टीज पे, क्लियर। कम्स टू द डेफिनेशन, आर्बिट्रेशन द प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व्स
अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन आर्बिट्रेटर हु एक्ट लाइक अ जज एंड वुड एक्सेप्ट द प्लीडिंग्स रिकॉर्ड द एविडेंसेज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स एंड देन देयर आफ्टर वुड गिव अ जजमेंट लाइक अ जज इन द फॉर्म ऑफ एन अवार्ड. आर्बिट्रेशन क्या है? प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या कर रही है, पार्टीज क्या करती है, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है. पार्टीज क्या डिसाइड करती है कि जो भी अवार्ड पास करेगा, यानी कि अवार्ड क्या होता है, जजमेंट लाइक अ जज, यानी कि जैसे जजमेंट देता है ना, जज हमारा क्या कहता है, जजमेंट देता है, तो ऐसे ही हम आर्बिट्रेटर के डिसीजन को क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं. वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा. पार्टीज क्या डिसाइड करेंगी कि हम कहाँ नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे. आर्बिट्रेटर क्या होता है, पर्सन लाइक अ जज, जो क्या करता है, सारे हमारे एविडेंसेस को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, हमारे प्लीडिंग्स को एक्सेप्ट करता है, हियरिंग करता है आर्ग्यूमेंट्स के, यानी कि दोनों पार्टीज की सुनता है और डिसीजन देता है. और वो डिसीजन क्या होता है, पार्टीज पे क्या होता है, बाइंडिंग होता है. क्लियर? जनरली आर्बिट्रेशन इज मोर बाइंडिंग वैल्यू देन अदर मोड्स ऑफ एडीआर. एडीआर याद है ना, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. उसमें पांच टाइप्स पढ़े थे और सबसे ज्यादा बाइंडिंग वैल्यू किसकी होती है, उन पांच टाइप्स में से, फाइव टाइप्स में से सबसे ज्यादा बाइंडिंग वैल्यू किसकी होती है, आर्बिट्रेशन की होती है. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. टू कंपनीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वन कंपनी वॉज एक्सरसाइज इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया. अब यहां पर क्या हो गया, कई स्टूडेंट सोचते हैं जल्दीबाजी में दो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हमारी इंडिया में, तो ये क्या है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है. आगे की चीज पढ़ी ही नहीं उन्होंने कि एक कंपनी क्या है जिसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एक्सरसाइज करी जा रही है किस कंट्री से, किसी भी अलग कंट्री से अदर देन इंडिया. अब ये कंफ्लिक्ट हुआ, ये हमारा क्या है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है या हमारा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है. अगर हम देखते हैं टू कंपनीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया तो ये क्या है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है. अगर हम आगे रीड आउट करते हैं, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वन कंपनी वॉज एक्सरसाइज इन एनी अदर कंट्री, यानी कि उस कोई भी इन दोनों कंपनी में से, ए एंड बी कंपनी में से, एक कंपनी क्या है जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल एक्सरसाइज करा जा रहा है किसी भी दूसरी कंट्री के द्वारा अदर देन द इंडिया, तो ये क्या है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है. तो देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ क्या कहता है. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, अ बॉडी, सब क्लॉज 2 पढ़ रहे हैं, बस मैं सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, है ना, अ बॉडी कॉर्पोरेट Which is incorporated in any country other than India. यानी कि अगर हम क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा है, कोई भी हमारी कॉर्पोरेट बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड है दोनों पार्टीज में से, दोनों बॉडी में से, कॉर्पोरेट बॉडी में से एक कॉर्पोरेट बॉडी क्या इनकॉर्पोरेटेड है किसी भी दूसरी कंट्री में इंडिया को छोड़ के, तो वो क्या कहलाएगा, उन दोनों पार्टीज के बीच में, उन बॉडीज के बीच में क्या होगा, जो आर्बिट्रेशन होगा वो कहलाएगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. अगर हम क्लॉज 3 पे जाते हैं तो क्या कहता है, An association or body of individual whose central management and control is exercised in any other country. तो वो क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेशन कहलाएगा. कौन सा आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी कि एसोसिएशन या बॉडी ऑफ एसोसिएशन जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल एक्सरसाइज करा जा रहा है किसी भी कंट्री के द्वारा अदर देन इंडिया, तो उन पार्टीज के बीच में या उन एसोसिएशन के बीच में जो भी हमारा आर्बिट्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहलाएगा. तो क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 एक दूसरे में अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, तो किस केस से हमारा ये सॉल्यूशन निकला, केस टीडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूई डेवलपमेंट 2008 4 SCC 271. तो इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सच काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. इस तरीके के आर्बिट्रेशन क्या कहलाएंगे, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहलाएंगे, वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं कहलाएंगे. क्लियर? अगर क्लॉज 2 हमारा फुलफिल हो रहा है तो हम क्लॉज 3 पे नहीं जाएंगे, यानी कि अगर जैसे हम सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, हमारा क्लॉज 2 में बताया जा रहा है कि दोनों कॉर्पोरेट बॉडी क्या इनकॉर्पोरेटेड है, हमारी इंडिया में ही है, तो वो क्या है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है. ये हमारा क्लॉज 2 फुलफिल नहीं हो रहा तो हम क्लॉज 3 पे नहीं जा रहे. क्लियर? तो ऐसे आर्बिट्रेशन को हम क्या कहलाएंगे, बिल्कुल से डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहेंगे. इसे हम क्या नहीं कहेंगे, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं कहेंगे. होपफुली वीडियो आपको समझ आई हो, सारे पॉइंट, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो. अगर अब भी कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubham.dobal.22 में DM कर सकते हैं. मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज़.